जय हिंद बच्चों, क्लास 9 के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सर्कल को कुछ आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, उसमें जितने भी डेफिनेशंस होते हैं वो सारे पढ़ चुके थे, और उसमें एक थ्योरम जो कि आपके NCERT बुक से है 10.1 को भी हम लोग बना चुके थे। तो अब यहाँ पर NCERT बुक का जो थ्योरम नंबर 10.2 है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि एक चीज़ याद रखेंगे कि यह जो आप NCERT में जो भी थ्योरम पढ़ रहे हैं, यह सारा थ्योरम आपका RS अग्रवाल बुक में भी है, क्लास 9 के RS अग्रवाल बुक में है। तो जैसा कि अगर आप अपने पास बुक रखते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने बुक में ज़रूर देखिए थ्योरम 10.2 को, जो कहता है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यहाँ पर सर्कल में कॉर्ड्स जो हैं सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये एक कॉर्ड हो गया आपका ए बी, और दूसरा कॉर्ड जो है हम यह सी डी ले लिए, और ये दोनों की क्या विशेषता है कि ये कॉर्ड ए और बी जो है ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, और यह सी और डी जो एंगल बना रहा है, यह सी और डी जो एंगल बना रहा है, यह दोनों एंगल आपका इक्वल है। तो यहाँ पर प्रूफ करना है कि यह ए बी और सी डी भी आपका इक्वल होगा। प्रॉब्लम समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो इसके लिए अपनी भाषा में ज़रूर लिखिए इसको। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट सी ओ आर बी ए सर्कल, है ना, और एंड यह जो आपका एंगल दिया गया है सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी, इसको आप ओ लिख दीजिए, ए ओ बी। अब यहाँ पर क्या प्रूव करना है उसको तो लिखिए ही, टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यही प्रूव करना है आपको। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन कुछ डालेंगे। ये कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका भाई, जैसा कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि प्रॉब्लम में जो कुछ दिया हुआ है वो तो लिखे ही हम लोग। प्रॉब्लम में दिया हुआ था ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ था, तो ये एंगल बनने के लिए हमको क्या चाहिए कि इस रेडियस को हमको मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये कॉर्ड जो है इस पर एंगल बनाता है, यह इस पर एंगल बनाता है, तो यहाँ पर हमको इस रेडियस को मिलाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं ज्वाइन ओ ए ओ बी, है ना, ओ सी एंड ओ डी, तो तीनों चारों को हम लोग मिला देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि दो ट्रेंगल बनता है। तो यहाँ इन ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओ डी, है ना, दोनों ट्रेंगल में ध्यान से देखिए कि इसका जो साइड है ओ सी, यह आपका ओ ए के बराबर है। तो काहे भाई, क्योंकि ईच इक्वल टू आर, तो ईच इक्वल टू आर कहने का मतलब आर जो है इस सर्कल का रेडियस है, और उसके बाद ओ डी जो है ओ बी के बराबर है, सेम कंडीशन इसके साथ भी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल सी ओ डी, सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी के बराबर है, ए ओ बी के बराबर, ये तो आपका दिया गया है, इसलिए इस ट्रेंगल ए ओ बी को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं ट्रेंगल सी ओ डी के, यही चीज़। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमको हम यहाँ पर सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि यह ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। क्लियर है, ये सब जो है थ्योरम्स बहुत ईजी सब थ्योरम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 10.3 को। तो 10.3 में कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से
क्वाड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है, तो यह क्वाड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ए और बी को जो है इस पी पॉइंट पर दो टुकड़े में, बराबर दो टुकड़े में बांटती है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, बराबर दो टुकड़े में बांट देती है। तो सिंपल है, इसको भी हम लोग सबसे पहले इसके बारे में लिख लेंगे। इतना सा जानकारी हमको प्रॉब्लम से मिला हुआ है, क्लियर है, इतना सा जानकारी जो है हमको प्रॉब्लम से मिला है। और अब हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ए पी इक्वल टू पी बी है। तो इसकी जो भी जानकारी है, लेट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल को हम लोग भाई किससे डिनोट करते हैं, सी ओ आर से, एंड ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ पी जो है परपेंडिकुलर टू ए पी है, ए बी है। तो निश्चित रूप से एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ जो है, यह दोनों आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों आपका 90 डिग्री हो गया, आपने ऐसा माना नहीं, ऐसा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग डाल देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन डालेंगे, क्या करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे ओ ए को एंड ओ बी को। किसको किसको ज्वाइन कर दिए, ओ ए को और ओ बी को हमने मिला दिया, तो बन गया दो ट्रेंगल। अब दो ट्रेंगल को हम क्या करते हैं, ट्रेंगल ए ओ पी एंड ट्रेंगल बी ओ पी में, ट्रेंगल ऑप और बॉप में, बी ओ पी बॉप होता है। तो इस दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से जान रहे हैं कि ओ पी जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो चलिए भाई ओ पी इक्वल टू ओ पी हो गया, यह जो है आपका कॉमन है, क्लियर है। और ओ ए इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी का है भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो एक गो सर्कल का जो है यह रेडियाई है, तो निश्चित रूप से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये एंगल तो 90 डिग्री है भाई, क्यों, क्योंकि ये तो इसी से मिल गया, परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री होगा ही। यहाँ पर एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर सोचिए कि ये एक एंगल मिला, ये एक साइड मिला, और ये हाइपोटेनस के तरह है, ये हाइपोटेनस के तरह है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या लगाते हैं, आरएचएस क्राइटेरिया को लगाते हैं। कौन से रूल को, आरएचएस के रूल को। तो ट्रेंगल ए ओ पी जो है कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी ओ पी, किस रूल से, आर एच एस रूल से यह जो है कंग्रुएंट हो जाएगा। जब यह कंग्रुएंट हो गया तो ट्रेंगल एगो ये है एगो ये है, इसका पार्ट ए पी और इसका पार्ट बी पी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा भाई, सी पी सी टी से बराबर होगा। जिस तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देयर फोर ए पी इक्वल टू बी पी लिख सकते हैं, सी पी सी टी बाय सी पी सी टी, है ना, चिंग पोंग चिंग टोंग के रूल से, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रेंगल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारा 10.4 है, यह कन्वर्स ऑफ 10.3 का है, मतलब 10.3 का उल्टा है। तो यहां पर ये उल्टा में क्या कहता है, देखिएगा, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द क्वाड, यानी कि एक लाइन जो है सर्कल में हम कहाँ से ड्रॉ किए, सेंटर से ड्रॉ किए, और इस तरह से ड्रॉ किए कि यह जो क्वाड है आपका इसको बाइसेक्ट कर देता है, ए बी को जो है बाइसेक्ट कर देता है। ये सेंटर ओ से एक लाइन ड्रॉ किए हम। तो फिर क्या कहता है कि इज परपेंडिकुलर टू द क्वाड। तो ऐसा अगर होता है तो यह परपेंडिकुलर हो जाता है, ये जो होता है ना ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ये चीज़ अब की प्रूव करके दिखाना है, पिछले बार क्या था कि परपेंडिकुलर था ही और उसके बाद जो है आपको बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करके दिखाना था। अब क्या किया कि बोला कि नहीं भाई बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करके दिखाइए।
तो इसी को कहते हैं बात बनाना, है ना। लेकिन यहाँ किताब में कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3, जिसको हम लोग 10.4 में पढ़ रहे हैं। तो घबराइएगा नहीं, ये सब छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात में गुस्साना भी नहीं है, है ना, खुशी खुशी बना देना है। अब देखिए कि यहाँ पर जो सर्कल हम लोग लिए हैं, तो लेट सी ओ आर बी ए सर्कल, और इसमें जानकारी दी गई है कि ए लाइन थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर, सेंटर से होते हुए, एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड ए बी सच दैट, जब ए बी को बाइसेक्ट करती है तो ए पी इक्वल टू पी बी हम लोग मान लेते हैं, क्लियर है, पी यहां पर मान लेते हैं। तो ये हमको दिया गया है। उसके बाद जो है इसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है इसको। तो भाई इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिए, है कि नहीं, बिना कंस्ट्रक्शन के काम नहीं चलेगा। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर देते हैं हम लोग, हम लोग ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी कर देते हैं, क्लियर है, इसको और इसको ज्वाइन कर दिए। हालांकि इसको और इसको ज्वाइन कर दिए तो ये भी रेडियस है, यह भी रेडियस है आपका। अब हम लोग प्रूफिंग पार्ट में जाते हैं, इन ट्रेंगल ओ पी ए एंड ट्रेंगल, एंड ट्रेंगल ओ पी बी में। तो यहाँ पर देखिए कि ओ पी जो है कॉमन है दोनों के लिए, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, यह जो है कॉमन है दोनों के लिए। और उसके बाद ए पी इक्वल टू बी पी, यह दिया गया है, ए पी इक्वल टू बी पी, यह आपका दिया गया है। और उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी जो है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हो गया। जब तीनों साइड बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ओ ए पी जो है कंग्रुएंट हो गया ट्रेंगल ओ बी पी के, है कि नहीं। किस रूल से, एस 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 रूल से, किस रूल से भाई, एस 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 रूल से। अब ये रूल से तो इक्वल हो गया। अब देखिए ये जो एंगल ओ पी ए है, यहाँ देखिए एंगल ओ पी ए जो है यह इक्वल टू एंगल ओ पी बी हो जाएगा, एंगल ओ पी बी हो जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि यह एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों जो एंगल है स्ट्रेट एंगल है। कैसा एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ पर कारण में दे देंगे सिंस इट इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल, इट इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वह आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये दोनों जो एंगल है, बोला कि भाई हम दोनों जो है बराबर है, क्या है, बराबर है। देखिएगा इसमें मिला के नहीं उतार लीजिएगा, नहीं तो अच्छे बन जाएगा आपका आंसर, एकदम कमाल लगने लगेगा देखने में। तो इसको ये उससे अलग है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमने मान लिया x, तो इसका मतलब ये भी हमारा x ही है और ये भी हमारा x ही है, इक्वल टू 180 डिग्री है। तो x 2x इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 180 बाय 2 कर दीजिए, तो ये हम निकल गया 90 डिग्री। यानी कि ओ ए पी जो x के बराबर था, अब ये हो गया 90 डिग्री, और ओ पी बी जो है जो x के बराबर था, यह भी अब हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि यह जो लाइन है आपका परपेंडिकुलर है। तो अंतिम में लिख देंगे कि हेंस 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 ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। यही ने प्रूफ करना था हमको, 90 डिग्री दिखाना था। या तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी
इक्वल टू 90 डिग्री लिख के और उसके बाद ये प्रूव्ड कर देंगे। क्लियर है? जो है हम लोग देखते हैं थ्योरम 10.5। यहाँ कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल। ये कह रहा है कि एक और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि तीन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इस तीनों पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर है? अब ये जो वन एंड ओनली वन लिखने का मतलब समझिए कि यहाँ पर ये दबाव डाल रहा है, दबाव बना रहा है कि सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकती है, एक से ज़्यादा गुजर ही नहीं सकती है। क्लियर है? तो इस चीज़ का भी हमको प्रमाण देना होगा। ये प्रॉब्लम जैसा है इसका इस चीज़ को भी प्रमाण चाहिए कि सिर्फ एक ही गुजरे। तो एक गुजरे ये तो हम प्रमाण देंगे, अब फिर सिर्फ एक ही गुजरे तो उसके लिए भी इसको प्रमाण देंगे। तो इसीलिए ये जो है ना डबल डेकर में ये जो है इसका आंसर होगा, ठीक ना। डबल डेकर जैसे टाउन में देखते हैं ना, बस उस जो चलती है नीचे में भी बैठने वाला होता है, ऊपर में भी बैठने होता है। अरे सीधा बात समझिए, दो महला बस, उसी तरह से ये दो महला प्रॉब्लम है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी तीन पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको लेट ए बी सी आर थ्री है ना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और इसमें क्या करते हैं तो क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट है ना ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल, वन एंड ओनली वन सर्कल थ्रू द ए बी एंड सी है ना। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन डालते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन डालेंगे भाई? डालेंगे क्या, हम देखिए अभी तक पढ़े क्या क्या हुए हैं या जो पीछे पढ़े हैं ना उस पर भी थोड़ा सा विचार करना है। तो जितना भी अभी तक पढ़ लिए हैं आप उसको यूज कर सकते हैं इसमें। क्लियर है? तो अभी जस्ट पढ़े कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है? तो इसीलिए पहले पढ़ा दिया ये हम लोग को है ना 10.3 में भी 10.4 में भी, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। तो इसका उपयोग करने के लिए क्या करते हैं कि ए बी को मिला देते हैं और यह बी सी को भी मिला देते हैं। इसके बाद जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ रहे हैं कि ये और ये जो है दोनों को बराबर भाग में बांटती हो और परपेंडिकुलर भी हो। क्लियर है? और इस दोनों को जो है ये बराबर भाग में बांटते हुए और क्या कहते हैं इसके परपेंडिकुलर हो, ये दोनों बराबर भाग में बट गया और परपेंडिकुलर भी है। तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, सेंटर होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग नहीं बोल सकेंगे, इसको और भी प्रूफ देना होगा हमको। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या कि ड्रॉ आर एस एंड क्यू पी या पी क्यू है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देखिए आर एस किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी का है। तो ए बी एंड और यह पी क्यू जो कि आपका बी सी का है, बी सी रेस्पेक्टिवली है ना, क्रमशः जो है यह इस तरह से बाइसेक्टर है। और क्या होता है कि पी क्यू एंड पी क्यू ये आपका पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, पर जो है कटती है। तो ये सारा जो है आपका कंस्ट्रक्शन हो गया है ना। अब हमको आगे जो लिखना है प्रूफ का पार्ट, तो प्रूफ का पार्ट में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि सिंस है ना ओ पी ओ सिंस ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ चलिए ए बी का ले लेते हैं, ए बी देयरफोर
देयरफोर ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। अब यहाँ कहिएगा आप कि सर ये तो समझ में नहीं आया कि ओ जो है लाइज कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी हम लोग क्यों लिखेंगे। तो क्यों लिखेंगे इसके लिए यहाँ पर देखिए कि मान लिया जाए कि ये लाइन है आपका ए बी, है ना, ए बी क्या है, लाइन है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा है, यानी कि ये और ये जो है दोनों साइड बराबर है, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है आपका। जब ये पॉइंट ओ है तो देखिए ओ से हम इसको इस तरह से मिला दिए ए को, और ओ से बी को भी मिला दिए, तो यह ओ ए और ओ बी जो है दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों ट्रेंगल जो है आपका कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है, इसका प्रूफ देख लीजिए, ये साइड इसके बराबर और ये तो कॉमन साइड हो गया, और ये आपका दोनों एंगल भी बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री पहले बोल दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ही बोल दिया है। तो जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से हम नहीं लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम ओ अगर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाइज कर रहा है तो निश्चित रूप से ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको साफ करते हैं, है ना, इसको हम साफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, है ना। तो देखते हैं अब आगे इसको उसी तरह से हम लिखेंगे कि सिंस ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, देयरफोर ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब ये इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर वन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आर यह मान लीजिए, है ना, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों तो बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो यहाँ से अगर ओ ए सी को हम रेडियस लेंगे और इस यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ओ सी रेडियस लेके, तो निश्चित रूप से यह बी से भी होके गुजरेगा। अब B से होके जब गुजरा तो यह निश्चित रूप से A से भी होके गुजरेगा, क्योंकि ये लाइन OA, OB और OC तीनों बराबर है, तो तीनों से होकर गुजरेगा और इस तरह से ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको सिर्फ ये लिखना है, है ना, विथ O एज ए सेंटर, R एज ए रेडियस, विथ O एज ए सेंटर एंड आर एज ए रेडियस, आर एज ए रेडियस ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ हमको क्लियरली दिखता है, एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है क्लियरली, द सर्कल पासेस थ्रू ए बी एंड सी। क्लियर है, तो यहाँ पर तो हम दिखा दिए कि भाई ए बी सी से होकर जो है यह आपका सर्कल गुजर रहा है, लेकिन ये थ्योरम को अभी विश्वास नहीं हुआ है ना। तो विश्वास दिलाने के लिए हम लोग को और भी लिखना पड़ेगा, थ्योरम के नेक्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है कि वी हैव टू शो दैट द ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, यानी कि ए बी सी से होकर जो है सिर्फ एक ही सर्कल गुजरती है, तो वह सर्कल जो है आपका सी ओ आर है, जिसको हम लोग शुरू से मानते हुए आए हैं। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई एक दूसरा सर्कल आके ये कहेगा कि हम भी जो है ए बी सी से होकर गुजर सकते हैं, तो अगर दूसरा सर्कल दावा करता है, ये दूसरा सर्कल मान लीजिए सी ओ डैश एस है और यह दावा करता है कि मैं भी इस पॉइंट से होकर गुजरता हूँ, तब हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि भाई यह जो है दूसरा सर्कल भी एग्जिस्ट करता है।
अगर यह दावा पेश करे, है कि नहीं, और यह दावा पेश करने के बाद जो है प्रूफ देने में कामयाब नहीं रहे, तो इसको हटा देंगे, तो कहेंगे कि नहीं ये सर्कल जो है नहीं होगा। तो वही ना होता है कोर्ट कचहरी में, कोई किसी पर दावा कर देता है कि भाई ये जमीन मेरा है, तो उसी का थोड़े हो जाता है, उसके हिसाब से प्रूफ देना पड़ता है। तो अब इस दोनों को जो है हम लोग लाते हैं कटघरे में, CO-S को और CO-R को लाते हैं। तो यह सर्किल कहता है कि हम जो है ABC से होकर गुजर रहे हैं, तो यह भी कहता है कि हम भी ABC से होकर गुजर रहे हैं। उसके बाद यह दूसरा दावा पेश करता है, कल कहता है कि भाई AB मेरा भी कॉर्ड है और BC जो है मेरा भी कॉर्ड है, तो ठीक है AB इसका भी कॉर्ड है और BC इसका भी कॉर्ड है। चलिए भाई यहां तक तो ठीक है, दावा ठीके ठाक कर रहा है। उसके बाद कहता है कि AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है RS, तो RS मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है आपका PQ है, तो PQ इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर RS और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ है, क्लियर है। उसके बाद जो है इस दोनों का इस सर्कल के हिसाब से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ओ डैश है, और इस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है ओ है। अब बखेड़ा यहीं पे खड़ा हो जाता है, क्या भाई कि आर एस और पी क्यू जो है, यह आर एस है ना, ये आपका आर एस और यह आपका पी क्यू जो है, क्लियर है, दो लाइन है। अब ये दो लाइन जो है एक जगह ओ डैश पर भी काटती है और एक जगह ओ पर भी काटती है, तो क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि यह जो लाइन है आपका आर एस, ये जो आर एस है और यह जो पी क्यू है, दोनों दो बिंदुओं पर काटे, एक ओ पर भी काटे और एक ओ डैश पर भी काटे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैथमेटिक्स का रूल ही के अगेंस्ट हो जाएगा। जब यह अगेंस्ट हो जाएगा तो भाई इसमें समझौता क्या है, इसमें समझौता यही है कि यह तभी संभव है कि जब ओ और ओ डैश जो है दोनों एक ही जगह पर हो, यानी कि कोइंसाइड कर जाए। तो यहां भी हमने जो दूसरा सर्कल लिया और दूसरा सर्कल भी पहला ही सर्कल निकला। मैथमेटिक्स में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो चीज सेम हो तो दोनों को अलग नहीं माना जाता है, दोनों को एक ही समझा जाता है। इसके बावजूद मान लीजिए कोई भी दो चीज अगर प्रॉपर्टी सेम है और सब भी सेम सेम चीज ही है, तो दोनों को हम लोग एक ही मानते हैं। तो इसलिए यहां पर दोनों की प्रॉपर्टी सेम निकली, इसीलिए यह खारिज हो गया कि भाई तुम जो है ना यहां पर एडजस्ट नहीं हो सकता है अलग से, अगर एडजस्ट होना चाहता है तो तुमको भी यही समझा जाएगा, COR ही समझा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखने के लिए ध्यान दीजिए कि यहां कहा कि CO-S जो है एक दूसरा सर्कल है जो कि पासिंग हो रहा है ABC से, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि देन O-S शुड लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यह लाइज करेगा, है ना, ऑफ ए बी, पी क्यू किसका है भाई, पी क्यू है बी सी का एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, क्लियर है। उसके बाद यह जो है ओ डैश जो है, ओ जो है आपका है ना, बट ओ ऑल्सो लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस, ओके, ऑफ बी सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, क्लियर है।
इस तरह से हम देख रहे हैं क्या, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ओ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ भी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू और आर एस पर है, और ओ डैश भी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू और आर एस पे है, और पी क्यू जो है आपका किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी यह कॉर्ड पर, यह आर एस जो है बी ए बी कॉर्ड पर, उसी तरह से यहाँ भी यही कंडीशन है। तो यहाँ इस दोनों को लिखने से हमको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब हो गया कि यह दोनों जो है, दोनों लाइन, दोनों सेंटर्स जो है ओ और ओ डैश एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम जानते हैं पहले से ही कि दो लाइन जो है, अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस टू लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। सो ओ डैश मस्ट कोइंसाइड कोइंसाइड विथ ओ, है ना, यानी कि ओ जो है ओ पर, ओ डैश जो है ओ पर कोइंसाइड करने लगता है, मतलब कि दोनों को एक ही पॉइंट मान सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अब इसके एवज में हम देख रहे हैं क्या कि ओ ए जो है आपका आर के बराबर है, लेकिन दूसरा सर्कल जो दावा किया था ये कह रहा था कि ओ डैश ये एस हो गया आपका, तो यहाँ पर ओ और ए जो है यह भी एस के बराबर हो गया, क्योंकि ओ डैश और ओ जो है एक ही चीज़ है, तो ओ डैश के बदले में हम ओ लिख सकते हैं, तो इसीलिए ओ ए जो है एस के बराबर है और यहाँ ओ ए जो है आर के बराबर है। तो इस दोनों से हमको समझ में आता है कि आर और एस भी जो है क्या है, बराबर है। क्लियर है? अभी तक क्या था कि ओ और ओ डैश दोनों जो है एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, अब क्या हुआ इसके चलते इसका रेडियस भी बराबर हो गया। अब जब रेडियस दो सर्कल का बराबर होता है तो दोनों सर्कल जो होता है कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह सी ओ आर जो है यह कॉन्ग्रुएंट है सर्कल सी ओ डैश एस के। क्लियर है? यानी कि दोनों सर्कल जो है ना भाई एक ही है। क्लियर है? अब यहां पर हम दूसरे सर्किल को भी दावा पेश करने के लिए आए तो वह भी हमारा खारिज हो गया, यानी कि वह भी हमारा कामयाब नहीं रहा। तो अब हम अंतिम में लाचारी में क्या करेंगे, यही ना बोलेंगे कि भाई देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी, तो अंत में हम लोग को लिख देना है कि हेंस देयर इज वन एंड एंड ओनली वन सर्कल सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस नॉन कोलिनियर पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे चलकर आप लोग ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाइएगा, है कि नहीं, जैसे क्लास 10 में जाइएगा तो वहाँ आपको प्रूव करना होगा कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, तो वहाँ भी हम लोग जो है कॉन्ट्राडिक्शन, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन, मैथमेटिकल भाषा में इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, यानी कि विरोधाभास हिंदी में कहा जाता है, कि किसी चीज़ को हम अगर प्रूफ नहीं कर सकें तो उस पर विरोध करवा दिए और वो सारा विरोध जो है गलत साबित हो गया, तो अब जो है इसका जो थ्योरम है तो उसी को सही मानना पड़ेगा हमको। मान लीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है, इसका डिसीजन कैसे होगा, कोई आदमी हमको विरोध करेगा और जो विरोध किया वो ही गलत साबित हो गया, तो हम सही है, फिर दूसरा आदमी विरोध किया तो अब वो विरोध किया और वो ही गलत साबित हो गया, यानी कि हम जो कह रहे हैं अंतिम में सबको मानना पड़ेगा ना कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उसी तरह से यहां भी हुआ था कि सी ओ आर एगो सर्कल था, लेकिन दूसरा सर्कल दावा पेश कर रहा था कि हम भी सर्कल हैं, इसी ए बी से होते गुजर होकर गुजरते हैं,
लेकिन यह इसका दावा खराब हो गया, खत्म हो गया। तो हमको मानना पड़ेगा कि यही भाई COR जो है एकलौता सर्कल है। इसी तरह से आप क्लास 10 में भी बनाइएगा, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो रूट थ्री एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उसको मानते हुए चलते हैं कि भाई रेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। देख रहे हैं कि रूट थ्री जो है रेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, तो अंतिम में लाचार होकर हमको कहना पड़ेगा ना कि भाई रूट थ्री जो है इरेशनल नंबर है। तो इसी सब टाइप का आगे चलकर मैथमेटिक्स में आप बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी यहां पर दिक्कत हुई होगी, प्रॉब्लम में समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं और भी अच्छी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। और इसके बाद जो है अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये समझ में आ गया तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए कि 10.5, ये थ्योरम शायद 10.5 है, 10.5 ओके, और नहीं है ओके तो 10.5 जो है नॉट ओके, क्लियर है। इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं बताने में आप लोगों को कामयाब हूं कि नहीं। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।